हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, वीडियो का बैनर तो आपने देख ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे चैनल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, हमारे चैनल का आज पूरा 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोटर को सुरक्षित रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका, जिससे कि आपकी मोटर जो है जलने से बच सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर जलने के कारण जो है सबसे बड़ा जो कारण होता है कि मोटर हीट होती है। अब हीट के कई कारण हैं कि बैरिंग जाम है मोटर के तो भी हीट हो सकती है, बैरिंग खराब हैं, ओके, या बुश खराब हैं तो भी हीट हो सकती है मोटर, मोटर ओवरलोड चल रही है तो भी हीट हो सकती है, और भी कई सारे कारण हैं, वोल्टेज ज़्यादा है तो भी मोटर हीट हो सकती है। तो हीट के कारण मोटर ज़्यादा हीट गर्म होने के कारण मोटर जलती है। तो मैं आज आपको ये तरीका बताऊंगा कि मोटर को बचाने का। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ करने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है आपको। बस एक छोटा सा चीज़, छोटा सा डिवाइस आपको मोटर के अंदर लगाना है। डिवाइस का नाम है थर्मोस्टेट बोल सकते हो, या सेंसर, सेंसर टेम्परेचर बोल सकते हो, ओके, टेम्परेचर सेंसर, या फिर ऑटो कट सेंसर आप बोल सकते हो उसको। तो ये कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने कई सारी वीडियो में इसको देखा होगा। जी दोस्तों, इसके दो तारे होते हैं, ठीक है, इनर एंड आउटर, किसी को भी इनर किसी को भी आउटर इसको मान सकते हो। दोस्तों, ये मोटर की सुरक्षा इस तरह से करता है कि ये जो है कई सारी मोटरों में लगा होता है, जैसे कि कई तरह के फैन की मोटर है या टुल्लू पंप की मोटर हो गई है, तो इसमें जो भी मोनोब्लॉक पंप है उनमें बहुत सारी मोटरों के अंदर इसको लगाया जाता है। दोस्तों, एक काम किस तरह से करता है कि ये जो है वाइंडिंग के बीच में लगा होता है, कुछ इस तरह से, जैसे कॉइल है, जैसे मोटर की कॉइल है, उसके ऐसे इसमें लगा होता, फिट होता है, दो तारें ऊपर की तरफ इसमें निकली होती है। तो ये सेंसर भी है और कट का काम भी करता है, दोनों काम ये करता है खुद ही। तो ये एक सेल्सियस के हिसाब से आता है कि टेम्परेचर कितने, टेम्परेचर पे इसको कट मारना चाहिए उसके हिसाब से आता है, जैसे 30 डिग्री का आता है, और भी मतलब अपने मोटर के हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका काम यही होता है कि जब मोटर आपकी हद से ज़्यादा जितने डिग्री के हैं उतने डिग्री पे ही हीट होती है आपकी मोटर, तो ये क्या करता है कि इसका सेंसर इसको बताता है कि मोटर हीट हो रही है, ये कॉइल में लगा होता है और इसका सेंसर इसको बताता है, और ये क्या करता है कि वहीं की वहीं ये कट मार जाता है, ओके। तो और कट मार जाएगा तो जब तक मोटर आपकी ठंडी नहीं होगी, जब तक ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से एक काम करता है, ये छोटा सा कंपोनेंट बोल सकते हो, उसे छोटा सा डिवाइस, ओके। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है, मोटर को बचाता है। तो इसे आप किसी भी मोटर में लगा सकते हैं, जो भी मोटर गर्म होती हैं, जो कोई भी मोटर हो, जैसे कूलर की मोटर हो गई है, फैन की मोटर्स हो गई है, टिल्लू पंप हो गई है, जिसमें आप लगाना चाहें उसमें आप लगा सकते हो। और दोस्तों, ये जो है रनिंग कॉइल में ही आप लगाएं, क्योंकि रनिंग कॉइल सबसे ज़्यादा मोटर के अंदर हीट होती है, तो रनिंग कॉइल में इसको लगाना होता है। इसको कैसे लगाते हैं, इस पर एक छोटा सा वीडियो हम बाद में डाल देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे होता है, ओके। तो इसके दो तारे होती हैं, एक तार तो इसका जो है कॉमन के साथ जोड़ा जाता है, कोई भी एक तार, और कॉमन इससे मतलब पार जाता है, कॉमन को इन किया जाता है और फिर आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक तार में लगता है बस ये कॉमन में, तो जब इसमें करंट आता है कॉमन के द्वारा, रनिंग स्टार्टिंग दोनों में जाता है, तो वहाँ पे हीटिंग होती है, तो ये फिर गर्म होता है और कट मार जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। हम बात करते हैं इसके प्राइस की। देखिए, इनका जो सेल्सियस के हिसाब से, इसका साइज जो है साइज के हिसाब से इनका पैसा जो है अलग अलग है, अलग अलग कंपनी का जो भी कुछ है सभी का अलग है, ज़्यादा नहीं है इसका, 20 से 30 रुपए में ये आपको मिल जाता है मार्केट से। क्या दोस्त, और इसे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से, यहाँ से तो वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा है, इसे किसी भी मोटर में अगर आप लगा दोगे तो आपकी मोटर जो है हीट होते ही कट मार जाएगी, चाहे उसके बैरिंग खराब हो, बुश खराब हो, लेकिन मोटर आपकी जलेगी नहीं,
तो ऐसे ये फायदा हो जाएगा कि आपकी वाइंडिंग जो है सलामत रहेगी मोटर की। कई मोटरों में ये लगा होता है तो कई बार मोटर चलती है कई बार नहीं चलती है, तो यही कारण होता है कि मोटर जब हीट हो जाती है तो नहीं चलती है, जब ठंडी हो जाती है फिर चलने लगती है, तो उसमें यही लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको टेम्परेचर सेंसर के नाम से जानते हैं, थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं, ओके, या फिर ऑटो कट सेंसर भी इसको बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।